नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश पाराशर, फैमिली फिजिशियन, वेट लॉस और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, सूरत गुजरात से आप सभी का स्वागत करता हूँ सवाल तुम्हारा प्रोग्राम में। और आज का जो हमारा टॉक है, इंटरव्यू है, एक मायने में बहुत खास होने वाला है, क्योंकि एक तरफ हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है न्यूली मैरिड लेडीज़ के लिए, यानी शादियों का सीज़न है, तो आप समझ सकते हैं कि जो न्यूली मैरिड लेडीज़ उनकी कितनी क्वेरीज होती है, उनके मन में कितनी शंकाएं होती है, जो वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कभी पूछ पाती है, कभी नहीं पूछ पाती है। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात हमारे इंटरव्यू की आज ये है कि आज हमारी जो स्पीकर है वो न केवल सूरत गुजरात की एक कुशल गायनेकोलॉजिस्ट है, बल्कि इस चैनल की डायरेक्टर और हमारे देश की विख्यात इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर काजल मांगुकिया जी हैं। तो मैम, पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है, आप हमेशा इधर होते हैं और आज आप हमेशा इंटरव्यू आप लेते हैं, आज आप इंटरव्यू का जवाब दे रहे हैं, आज हमारे सवालों का जवाब देंगे। एक्चुअली इट इज माय प्रिविलेज कि सर आज आप मेरा इंटरव्यू लेने वाले हो। आप डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न, और जो भी हमारे चैनल को देखने वाले व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये दैनिक जिंदगी में जो हमारी न्यूली मैरिड लेडीज़ हैं, नवविवाहिताएं हैं, उनके लिए बहुत काम का इंटरव्यू होने वाला है, इनको ज़रूर देखें और आगे बढ़ाइए। तो मैडम, मेरा पहला सवाल यह है कि क्या पीरियड्स की डेट्स प्रीपोन्ड या पोस्टपोन्ड करनी चाहिए, यानी आगे पीछे करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब शादी होती है तो जो यंग गर्ल्स होती है उनकी मैरिज के टाइम पे कभी कभी पूजा के टाइम पे पीरियड्स की डेट आ जाती है, कभी वो हनीमून के टाइम पर होते हैं तब पीरियड्स की डेट बीच में आ जाती है। तो जो शहर की मॉडर्न गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, वो तो गायनिक के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हैं, उनसे बातचीत करती हैं, डिस्कस करती है, पर हमारे जो सब अर्बन एरिया है, जो दूर दराज के जो इलाके हैं, वहाँ ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो मैं चाहूँगा कि कुछ रोशनी आप इस टॉपिक पे जरूर डालें, ताकि उन्हें कैसे गायनिक से बात करनी चाहिए और कैसे इस समस्या का निदान बनाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि जनरली फीमेल्स, जैसे अभी घर में भी रूटीन में कोई भी फंक्शन है, कोई पूजा है, इवन शादी का जैसे अभी सीजन चल रहा है, तो शादी के दौरान भी जैसे ग्रह शांति वगैरह की पूजा वगैरह रहती है, सो मन में रहता है कि आइदर पीरियड्स का डेट नज़दीक आने वाला है। काफ़ी बार ऐसा भी हमने देखा है कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड डेट 10 दिन के बाद आने वाली है फिर भी जल्दी आ जाती है, या तो उनका शादी के बाद जैसे हनीमून पे जाने वाले हैं तो वह समय पे भी पीरियड नहीं चाहिए। तो पीरियड्स प्रीपोन्ड और पोस्टपोन्ड, जनरली हम लोग जो मेडिसिन देते हैं सर, वह जो मेडिसिन है मोस्ट प्रोबेबली फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ द पीरियड्स दिया जाता है। प्रीपोन्ड के लिए क्योंकि फिक्स नहीं होता है कि जैसे आप मेडिसिन बंद किया सो विद इन 3 डेज, विद इन 5 डेज या विद इन 7 डेज कितने समय पे आपका पीरियड आने वाला है वह हर पेशेंट का डिफरेंट होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग जो एडवाइस देते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी फीमेल है उसका पीरियड का जो डेट है जैसे 28 दिन का अगर उसका साइकिल है एंड एवरी टाइम 28 डेज पे आ रहा है तो वह जो समय है उसके एटलीस्ट 5 to 7 डेज पहले उनको यह मेडिसिन स्टार्ट करना होता है। और जब तक आपको पोस्टपोन्ड करना है मे बी फॉर 10 डेज 15 डेज, तब तक आपको यह मेडिसिन सेम टाइम पे लेना है। अगर आप आगे पीछे लेते हो तो इसकी जो इफ़ेक्ट है कि विड्रॉल ब्लीडिंग जो है वह शुरू हो जाती है। काफ़ी बार हमने ऐसा भी देखा है कि पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, रेगुलर नहीं लिया है, तो विथ मेडिसिन भी ब्लीडिंग स्पॉटिंग शुरू हो जाती है। सो यदि आपको स्टार्ट करना है तो आप यह कर सकते हो, मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन इस मेडिसिन के दौरान आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना है और रूटीन आपका जो खाना पीना है वह अच्छे से लेना है, लेकिन भूखा नहीं रहना है, फास्टिंग नहीं करना है। सो यह थोड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जो हाईलाइट करने हैं। और इवन जो खट्टे फ्रूट्स वगैरह हैं उसका भी सेवन आप कर सकते हो, नींबू शरबत वगैरह है, इवन बटर मिल्क वगैरह है, जैसे अभी मई महीना, जून महीना जो है अभी गर्मी का जो माहौल चल रहा है तो इसमें भी आप अगर वाटर इनटेक अच्छा रखेंगे, क्योंकि काफ़ी बार सर हम देखते हैं कि मेडिसिन के साथ अगर
पेशेंट फास्टिंग कर रहा है, उसका जो वाटर इनटेक है कम है, तो मुंह में छाला हो जाता है या हीट, ऐसे काफ़ी बार ऐसे पेशेंट्स देखते हैं। सो मेजॉरिटी यह मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन बार बार कोई भी हार्मोनल पिल्स जो है वो बार बार नहीं लेना चाहिए। इसीलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि अनलेस देर इज़ ए इमरजेंसी, अनलेस आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हाँ पीरियड पोस्टपोन करना बहुत ही ज़रूरी है, तब भी ही आपको यह मेडिसिन लेना है। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखें कि पीरियड का पोस्टपोनमेंट प्रीपोनमेंट यानी पीरियड को आपकी मनचाही डेट से आगे पीछे तो आप कर सकते हैं, पर बिना गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह के आप ना करें, क्योंकि हार्मोन्स की पिल्स जो होती है वो गायनेकोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही ली जानी चाहिए। तो वैसे तो मैडम आपने जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जो दूसरा सवाल है, उसका आपने रिप्लाई ऑलमोस्ट कर दिया है, पर फिर भी मैं एक बार फिर पूछना चाहूँगा, क्या जो हार्मोन्स पिल्स होती है उनके खुद के भी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? अक्सर ये हमसे सवाल पूछा जाता है, तो मैं उस पर भी चाहूँगा कि आप थोड़ी रोशनी डालें। जैसे प्रीपोन्ड और पोस्टपोन्ड करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वह प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स कहते हैं, तो इसमें जनरली जो साइड इफ़ेक्ट हम बोलते हैं कि वाटर रिटेंशन और सॉल्ट रिटेंशन बढ़ जाता है, सो थोड़ा सा आपको ब्लोटिंग फीलिंग होता है, थोड़ा ऐसा स्टमक भी ऐसा ब्लोट हो गया ऐसा फील होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या काफ़ी पेशेंट्स लेकर आते हैं कि इस दौरान कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, ब्रेस्ट में थोड़ा हैवीनेस फील हो सकता है, काफ़ी पेशेंट रहते हैं उनको थोड़ा लाइट हेडेडनेस या तो हेडेक की समस्या भी हो सकती है। इवन जो पेशेंट्स हैं जिनको माइग्रेन की हिस्ट्री है, तो ऐसे पेशेंट को माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, लाइक उसका एपिसोड आ सकता है, सो यह थोड़ी साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन अगर आपका खाना पीना जो है फूड इनटेक प्रॉपर है, वाटर इनटेक अच्छा है, तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस कम रहते हैं। ओके, तो कुल मिला के बात यह है कि यदि आप हार्मोन्स की टैबलेट्स को गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर में लेते हैं, प्रॉपर डोजिंग में लेते हैं, सही शेड्यूल में लेते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ लेते हैं, तो आपको इसका साइड इफ़ेक्ट फेस नहीं करना पड़ेगा। मैडम अगला सवाल है कि आज के दौर में बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, तो ऐसे में जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं उनका अक्सर सवाल रहता है, समटाइम्स दे हेजिटेट, कभी कभी वो पूछना चाहते हैं, नहीं पूछते हैं, झिझकते हैं, तो ऐसे में आपका क्या गाइडेंस है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव न्यूली मैरिड कपल्स को इस्तेमाल करना चाहिए, एंड पर्टिकुलरली मेल को या फीमेल को, या आपका कोई रिकमेंडेशन आइडियली कि मेल को यूज़ करना चाहिए या फीमेल को यूज़ करना चाहिए, तो उसमें आप थोड़ी रोशनी डालें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई थिंक यह जो क्वेश्चन है काफ़ी जो न्यूली मैरिड कपल्स है या तो टू बी मैरिड कपल्स जो है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, और हमारा एक वीडियो भी है प्री मैरिज काउंसलिंग के ऊपर, वहाँ पे भी हमने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात की हुई है, सो वह वीडियो भी आप डिटेल में देख सकते हो। अभी जो स्पेसिफिक सर आपका क्वेश्चन है कि विच इज़ अ बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर द न्यूली मैरिड कपल, सो आइडियली जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है जो फीमेल को लेने होते हैं, और 21 डेज के पिल का पैकेट आता है, आइडियली उसको पीरियड के फोर्थ डे से स्टार्ट करना होता है, वंस अ डे फिक्स टाइम पे यह कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को विथ वन हाफ ग्लास ऑफ मिल्क या तो वन कप ऑफ मिल्क के साथ लेना है, क्योंकि यह एक हार्मोनल पिल्स है, थोड़ा सा इसमें नौशिया वॉमिटिंग ऐसी फीलिंग आ सकती है, अगर किसी को गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा ज़्यादा यह प्रॉब्लम आ सकता है। सो फिक्स टाइम पे अगर आप यह पिल लेते हो तो ऑलमोस्ट दिस इज 99% इफेक्टिव, यानी कि ओनली 0.1-1% फेलियर रेट होता है विद द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कंबाइंड ओसी पिल्स हम कहते हैं। सो आइडियल इज दिस, और जनरली जो हम एडवाइस करते हैं कि जैसे अभी नया नया शादी हुआ है, सो इनिशियली फॉर 3-6 months आप अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हो, एक बार आपका जो फिजिकल रिलेशन है उसमें कंफर्ट जोन में आप आ जाते हो, उसके बाद यू कैन स्विच ओवर टू द बैरियर मेथड, यानी कि कंडोम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी बार हमने देखा है कि न्यूली मैरिड कपल है वो आते हैं कि मैम जैसे कंडोम फट गया तो अभी फिर कितना चांसेस रहेंगे कि प्रेगनेंसी रुक जाएगा, सो वो एक पैनिक सिचुएशन आ जाता है, और वह समय पर हमको एज एन ऑल्टरनेटिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो रहते हैं वो ऑप्शन देना पड़ता है। लेकिन बार बार इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना भी सेफ नहीं होता है, सो इट इज़ एडवाइजेबल फॉर अ न्यूली मैरिड कपल कि आप इनिशियली 3-6 months कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
मैम, कई बार इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा कि कई बार जो कुछ यंग एडल्ट फीमेल्स होती हैं या न्यूली मैरिड लेडीज होती हैं, उनमें जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं उनका वो अक्सर मिसयूज करते देखे जाते हैं। उन्हें कभी भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, उन्होंने यदि प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया तो ये वो मेडिकल पे जाते हैं और इस मेडिसिन को अक्सर वो यूज और मिसयूज करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट पे भी आप थोड़ा एक रोशनी डालें। यस, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आप सब अभी जो नाम हम बोल रहे हैं उसी में आ जाता है कि इट इज मेड टू बी यूज्ड ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो कोई भी चीज़ है अगर इमरजेंसी बोल रहे हैं हम, वह जो भी प्रोडक्ट है, जो भी टैबलेट्स है, इसलिए क्योंकि उसमें जो कंटेंट है सर मेफेप्रिस्टोन करके जो मेडिसिन आती है, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म उसका यूजेज करते हो तो देर आर फ्यू कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ऑल्सो। आपका जो हॉर्मोनल साइकिल है उसमें पूरे इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। काफ़ी बार हमने देखा है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बाद पेशेंट आते हैं कि मैम 2-3 महीने से पीरियड ही नहीं आए हैं। सो यह सब उसके नेगेटिव जो हम लोग बोलते हैं कि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि उसका जो डोज होता है वो भी हाई डोज होता है, इट इज़ 200 मिलीग्राम, सो इट इज़ क्वाइट इन अ हाई डोज। और उसको इतना हाई डोज आप रेगुलर बेसिस पे नहीं ले सकते हो, उसकी कहीं ना कहीं आपके एंडोमेट्रियम पे भी इफेक्ट आती है, ओवरीज पे भी इफेक्ट आती है और सारे बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आती है। सो जो भी चीज़ है अगर इमरजेंसी बोला है तो उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। सो यूज़ इट ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड एज एन इमरजेंसी, उसको रेगुलर बेसिस पे। काफ़ी बार हम देखते हैं कि ओपीडी में जो पेशेंट्स हैं, जैसे 16-17 ईयर्स की जो यंग गर्ल्स हैं, वो लोग भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, अक्सर देखा है। सो स्पेशली जो भी गर्ल्स हैं, टीनेजर गर्ल्स हैं, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी मुझे यही मैसेज देना है कि आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आपको चाहिए तो आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो 21 डेज के पिल्स हैं, उसमें जो हॉर्मोन्स का जो डोज होता है वह एकदम लो डोज में होता है ताकि आपको मेजर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो। सो रेगुलर यूज़ करना है तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर द कंडोम का ऑप्शन जो मेल्स यूज़ कर सकते हैं, फीमेल कंडोम भी अभी अवेलेबल है तो वह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को इमरजेंसी केसेस में ही यूज़ करना है। बहुत अच्छा आपने इस पर प्रकाश डाला। अब मेरा जो अगला सवाल है वो अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव से ही रिलेटेड है कि मैडम, कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी रह जाती है, तो उसके क्या रीजंस होते हैं, थोड़ी रोशनी उस पर भी हमें चाहिए। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर आपने लिया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करने के बावजूद भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट अपने पीरियड मिस कर देते हैं और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर पर काफ़ी बार करके आते हैं कि मैम हम तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या जो भी कुछ इस्तेमाल कर रहे थे उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी रुक गया है। सो यहाँ पे स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी मेथड रहती है उसके हमेशा सक्सेस रेट और फेलियर रेट होता है, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है उसमें परमानेंट मेथड जो है दैट इज़ ट्यूबल लाइगेशन और वाजेक्टमी, मेल्स में वाजेक्टमी होता है, फीमेल में ट्यूबेक्टमी होता है, और काफ़ी बार हमने देखा है कि उसमें भी फेलियर रेट होता है। यस, और जैसे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है उसका फेलियर रेट सबसे कम है, लेकिन यदि उसको आप अच्छे से सिंसियरली, मतलब जो टाइम आपने फिक्स किया है कि रात को 10 बजे लेना है तो 10 बजे ही अगर आप लेते हो तभी 99% यह मेथड इफेक्टिव होता है। लेकिन यदि आपके टाइमिंग्स वगैरह में अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो आपके बॉडी में जो हॉर्मोन्स रिलीज होने वाले हैं उसमें भी इम्बैलेंस हो जाता है और काफ़ी बार ओविलेशन हो जाता है। बेसिकली यह जितने भी पिल्स हैं उसकी वजह से एन ओविलेशन होता है, ओविलेशन प्रिवेंट करता है, लेकिन अगर पेशेंट टाइम पे नहीं लेता है तो ओविलेशन बीच में हो सकता है और उसकी वजह से पेशेंट कंसीव कर सकता है। दूसरा है कि जैसे कंडोम वगैरह मेथड है तो इसमें अगर कंडोम ब्रेक हो जाता है तो जो भी सीमेन है वह रिलीज होगा और उसकी वजह से भी फेलियर रेट पाई जाती है। तीसरा है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज यानी कि कॉपर टी वगैरह। सो काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप में बुलाते हैं कि एवरी 3 मंथ्स आपको रेगुलर चेकअप के लिए आना है, एवरी 6 मंथ्स आना है,
पेशेंट एक बार कॉपर टी रख दिया उसके बाद भूल जाते हैं कि उनको रेगुलर गायनेक के पास चेकअप के लिए जाना है. सो इन केस कॉपर टी मिसप्लेस हो जाती है, डिसप्लेस हो जाती है, तो वो जो यूट्राइन कैविटी है वहाँ से खिस जाती है और उसकी वजह से भी पेशेंट को प्रेगनेंसी रुक सकती है. सो यह सारे रीजंस हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर क्यों होता है. सो मेरी जो एडवाइस है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करते हो तो आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास आप अच्छे से समझ लो कि आपको रेगुलर फॉलोअप में कैसे आना है, मेडिसिन कैसे लेना है. काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट भूल जाते हैं कि मैम शादी में गए थे या कोई फंक्शन में गए थे, बाहर घूमने गए थे और जो पिल्स है वो लेकर जाना ही भूल गए और उसके वजह से दो दिन तीन दिन वो स्किप कर देते हैं. सो आइडियली क्या होता है कि जब भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, फॉर एग्जांपल आप आज की तारीख का 9 बजे का या 10 बजे का पिल भूल गए हो तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे आपको जैसे ही याद आता है वो वाला पिल ले लेना है, दूसरे दिन का रेगुलर टाइम से आपको लेना है. दो दिन आप भूल गए तो तीसरे दिन आप दोनों दिन का पिल एक साथ ले लो और थर्ड डे का आप रेगुलर टाइम से ले लो. अगर मोर देन 3 डेज आप अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भूल जाते हो तो यह मेथड आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होने वाली है. फिर आपको कोई ना कोई दूसरा मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कंपलसरी यूज़ करना ज़रूरी रहता है. जैसे कि डॉक्टर काजल ने बताया कि यदि आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव की डोज मिस होती है तो आप उसे किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, पर दोस्तों इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी गलतियां करते रहें और हम डॉक्टर्स उनको सुधारते रहें. तो बहुत ज़रूरी है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि बेस्ट मानी जाती है, पर आपको गाइडेंस जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट का लेना ही है, उनके सुपरविजन में ही स्टार्ट करना है, प्रॉपर मेथड हर चीज़ उनसे डिस्कस करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है. अगला सवाल मैं लेना चाहूँगा कि जो न्यूली मैरिड लेडीज़ हैं मैडम, उनको अक्सर यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी खासतौर पर जब वो मैरिज के इनिशियल डेज में, उससे रिलेटेड एक मेडिकल टर्म होती है जो डॉक्टर्स में तो बहुत पॉपुलर है, दैट इज हनीमून सिस्टाइटिस. तो मैं चाहूँगा कि हनीमून सिस्टाइटिस क्या होता है उसको सीधे और आसान शब्दों में आप हमारी ऑडियंस को बताएं और साथ के साथ उसके बचने के प्रिवेंटिव टिप्स क्या हैं. मैं चाहूँगा वो भी आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें. हनीमून सिस्टाइटिस इसीलिए कहा जाता है कि जब भी पेशेंट शादी हो गई उसके बाद हनीमून पे जाते हैं, घूमने जा रहे हैं वो लोग, और फर्स्ट उनका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और वह समय पे अगर प्रिवेंटिव टिप्स, सर आपने बताया कि प्रिवेंटिव टिप्स क्या है, तो पहले मैं बताती हूँ कि हनीमून सिस्टाइटिस क्या होता है. कि वह दौरान जो महिला है उसको काफ़ी बार यूरिन में इन्फेक्शन यानी कि यूरिन पास करने में बर्निंग सेंसेशन होती है, काफ़ी बार यूरिन में जो यूरिन है उसका कलर रेड कलर का हो जाता है, प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग वगैरह है, बर्निंग वगैरह है. इवन काफ़ी बार पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है कि मैम इसको बुखार आ रहा है. जनरली उतना रियलाइज़ नहीं होता है कि पेशाब में जलन हो रही है और वो सब स्किप कर देते हैं, ठंडी लगकर बुखार आता है. तो यह भी काफ़ी बार एक प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है. सो बेसिकली हनीमून सिस्टाइटिस जो है वह आफ्टर मैरिज आप जो इनिशियल टाइम रहता है वह समय पर हो सकता है. इसके जो सिम्टम्स हैं कि हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, ठंडी लगकर बुखार आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब का जो कलर है वह काफ़ी बार हम देखते हैं कि रेड कलर का यूरिन पास हो रहा है, प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग बर्निंग ऐसी सारी समस्या, इवन वाइट डिस्चार्ज वगैरह की समस्या भी काफ़ी बार पेशेंट लेकर आते हैं. इवन कर्डी वाइट डिस्चार्ज यानी कि दही जैसा जो द्रव्य होता है वैसा डिस्चार्ज भी वजाइना में से आ रहा है, यह भी एक कंप्लेंट होती है. सो हनीमून सिस्टाइटिस अगर हो गया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि जनरली आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास आप चेकअप के लिए जा सकते हैं, आपके ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट आपको एडवाइस करेंगे और ट्रीटमेंट में बेसिकली इफ़ रिक्वायर्ड एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं और आपका जो फ्लूइड इनटेक है वाटर इनटेक है वो आपको बढ़ा देना है और एज अ प्रिकॉशंस कि जो हाइजीन है वो मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी रहता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो रीज़न है सर आपने बताया कि व्हाट इज़ द रीज़न हनीमून सिस्टाइटिस का मेन रीज़न इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन. सो प्रिवेंट करने के लिए जो टिप्स है कि आप जब भी रिलेशन प्लान करते हो हस्बैंड वाइफ दोनों अगर बात ले लेते हैं पहले दैट इज़ द आइडियल ताकि जो भी अपने बॉडी के ऊपर जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं वह सब क्लीन हो जाएंगे. आफ्टर रिलेशन आपको प्राइवेट पार्ट्स अच्छे से वॉश करना है विथ सोप
या तो जो भी वजाइनल वॉश वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उसको क्लीन करना है, ड्राई करना है. सो दिस आर द प्रिवेंटिव टिप्स नॉट ओनली फॉर द न्यूली मैरिड कपल, लेकिन जो भी शादीशुदा कपल है या जो भी मतलब रिलेशन आप रखते हो, तो यह सारे मेजर्स आपको रेगुलरली फॉलो करने हैं ताकि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की हेल्थ अच्छी रहे. और वाइफ को भी स्पेशली वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल इन्फेक्शंस वगैरह है, यूरिन में जो इन्फेक्शंस वगैरह है, यह सब से आप बच सकते हो. मैडम, इसी कड़ी में वाटर इंटेक बढ़ाना और साथ के साथ में इंटरकोर्स के बाद में यूरिन जाने की हैबिट होना, क्या भी फायदेमंद साबित हो सकती है? यस, इसी हनीमून सिस्टाइटिस के. यस यस, वाटर इंटेक तो बढ़ाना ही है सर जी. क्योंकि क्या होता है कि जैसे घूमने गए हैं तो शायद कभी कभी ऐसा होता है कि पानी पीना भूल जाते हैं, बाहर निकले हैं तो बाहर का वॉशरूम, काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेशेंट जैसे अभी ट्रेन में कोई ट्रैवलिंग कर रहा है या बस में ट्रैवलिंग कर रहा है तो बाहर का वॉशरूम यूज़ नहीं करना है, होटल्स के वगैरह इस्तेमाल नहीं करने हैं. सो बार बार उनको वॉशरूम में जाना अवॉइड करना होता है, इस वजह से वो वाटर इनटेक कम कर देते हैं. सो वाटर इनटेक कम कर देते हैं, इसकी वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक बार रिलेशन होता है उसके बाद आपको यूरिन पास करना, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे भी काफ़ी बार यह इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं. मैम, जैसे कि इस कंडीशन को हम बोलते हैं हनीमून सिस्टाइटिस, तो आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में मेरा एक सवाल हमारी जो लेडीज़ हैं, यंग लेडीज़, उनकी तरफ से है. अब नाम ही जब हनीमून सिस्टाइटिस है तो पेशेंट तो हनीमून पर है, तो ऐसे में क्या उसे ऑनलाइन गायनेकोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए या उसे अपने डेस्टिनेशन पे आने का इंतजार करना चाहिए? तो समय की कितनी कीमत है इस बीमारी को हैंडल करने में, इस कंडीशन को हैंडल करने में, थोड़ा उस पर भी आपका कमेंट चाहिए. यस, सो ऑनलाइन कंसल्टेशन, जैसे मेरा जो हमारा ऑर्किड हॉस्पिटल है यहाँ पे ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है. सो आप एनी टाइम, आप कहाँ पे भी है वर्ल्ड में, कोई भी एरिया में आप है, आप हमारा जो नीचे दिया गया नंबर है वहाँ पे फ़ोन करके ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं और इमीडिएटली आपको उसका जो भी टाइम शेड्यूल वगैरह सेट करके ऑनलाइन कंसल्टेशन हो जाएगा. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काफ़ी बार सर हमने देखा है कि अगर पेशेंट 2-3 दिन ऐसे इग्नोर करते हैं और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि जो ब्लैडर है वहाँ से यह इन्फेक्शन स्प्रेड होकर किडनी तक पहुँच सकता है. और काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट किडनी फेलियर में भी चले जाते हैं. पेशेंट को सीधा आईसीयू में रखना पड़ता है, कभी कभी इवन डायलिसिस पे भी पेशेंट चले जाते हैं. सो लगता है कि बहुत ही माइल्ड है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, लेकिन अगर समय पे उसकी सारवार नहीं लेते हो आप तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ही मेजर होते हैं. पेशेंट एकदम जैसे दो दिन पहले एकदम ही अच्छा था और तीसरे दिन पेशेंट आईसीयू में भी हो सकता है. सो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है. तो दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टर काजल ने कितना बखूबी बताया कि आपका पानी नहीं पीना, रिलेशन के बाद यूरिन नहीं जाना और हर कहीं जगह यूरिन नहीं जाने की आदत को सपोर्ट करना आपके लिए कितना भारी पड़ सकता है और आपका हनीमून स्पॉइल हो सकता है. तो ऐसे में मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि इस इंटरव्यू को एक बार आप बार बार सुने और जितने भी यंग कपल्स हैं जिनको आप हनीमून पे शादियों में अलग अलग गिफ्ट देते हैं, ये सूचना भी उनको गिफ्ट के तौर पे दीजिए ताकि उनको हनीमून उनका बहुत सुखद रहे, अच्छा रहे, उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो. मेरा अगला सवाल है मैडम कि पहली प्रेगनेंसी को अक्सर हमने ये कहते हुए सुना है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी एबॉर्ट नहीं होनी चाहिए. अब इस दौर में कई बार जो कपल्स मैरिड नहीं होते उनमें भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और कभी कभी न्यूली मैरिड भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते उस प्रेगनेंसी के लिए. तो ऐसे में आपकी क्या एडवाइस है, एबॉर्ट क्यों नहीं होनी चाहिए वो भी हम जानना चाहते हैं और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पे भी आप थोड़ी रोशनी डालिए प्लीज. यस, जनरली जो अपने घर में जो बुजुर्ग वगैरह रहते हैं वो भी ऐसी एडवाइस देते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है उसमें जनरली अबॉर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए. और काफ़ी बार जो पेशेंट्स हैं जैसे अनमैरिड, ऑब्वियसली उनके लिए तो रहता ही है या डिफ़िकल्ट, लेकिन जो मैरिड है, इनिशियल टाइम है शादी के बाद का, उसमें अगर कंसीव हो जाता है, सर ने जैसे बताया कि मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो उनके माइंड में भी ऐसा रहता है कि अबॉर्शन करवाए या नहीं करवाए. तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो पीरियड का जो डेट है, कोई भी यंग गर्ल है या तो शादीशुदा महिलाएं हैं, आप अपने मोबाइल में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आते हैं
जिसमें अपने साइकिल जो है वह ट्रेस कर सकते हैं, आपका जो ओव्यूलेशन पीरियड है वह भी आप ट्रेस कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि आपने अपना पीरियड मिस किया है सो इमीडिएटली एक बार अपना यूरिन टेस्ट आप चेक कर सकते हैं, उसमें अगर पॉजिटिव आता है तो जितना आप जल्दी ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा। सो फर्स्ट है कि अगर पॉजिटिव आता है, आप अर्ली स्टेज में आते हो, तो विद द मेडिसिन उसे अबॉर्शन कर सकते हैं। जनरली हमारी एडवाइस रहती है कि आप कंटिन्यू करें, लेकिन बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन की जिस वजह से हमको आपको एडवाइस करते हैं कि ठीक है यू कैन गो फॉर द अबॉर्शन। सो इसमें भी सेम है कि जो पिल्स आते हैं, जैसे अभी मैंने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में बताया, वही टाइप के पिल्स आते हैं। सो इसे बार बार लेना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। दूसरा कि अगर आप समय पे ध्यान नहीं देते हो, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना अगर हो जाते हैं तो बच्चा जो है वो यूट्रस के अंदर बड़ा हो जाता है। और ऐसे केसेस में हमको जो क्यूरेटिंग बोलते हैं, डीएनए की जो प्रोसीजर होती है वह करनी पड़ती है। सो एनी सर्जिकल प्रोसीजर जो होती है उसके कहीं ना कहीं थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो हमारी एडवाइस यह रहती है कि इफ़ पॉसिबल फर्स्ट प्रेगनेंसी अबॉर्शन में डीएनसी ना करनी पड़े वह बेटर रहता है फॉर द फीमेल, ताकि दूसरे बार उसको कंसीव करना है वह समय पे उसको कंसीव करने में दुविधा ना आए। क्योंकि अगर विग्रस डीएनसी वगैरह होता है तो उनका जो यूट्रस रहता है उसमें जाले बन जाते हैं, अगर जाले बन जाते हैं तो पेशेंट को कंसीव करने में बहुत ही तकलीफ आ सकती है। सो जनरली ऐसा रहता है कि अगर आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी रुक गया है तो उसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपके सिचुएशन ऐसे है कि आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो वी कैन गो फॉर द मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और डीएनसी। लेकिन यहाँ पे मैं सर बोलना चाहती हूँ कि अपने यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, तो जैसे हमने वीडियो में आगे जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं उसमें काफ़ी सारे डिटेल में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के जो भी अवेलेबल है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। सो आई थिंक इट इज़ बेटर, हम बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो मुझे जो मैसेज देना है कि आप प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के जो भी मेथड्स हैं उसे फॉलो कीजिए। यस इट इज़ अंडरस्टूड कि उसके भी फेलियर रेट्स होते हैं, वह समय पे हम एज अ मेडिसिन या तो सर्जिकल प्रोसीजर ऑप्ट कर सकते हैं, बट नॉट इन ऑल द केसेस। ऐसे में मेरा हमारे दर्शकों से एक ही अनुरोध है कि जब आप न्यूली मैरिड हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव प्लान कर रहे हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए। मैं मानता हूँ कि भारत देश में थोड़ा हमारा कंजर्वेटिव माहौल रहता है, पर फिर भी ऐसे माहौल में जब आप सेक्स करते हैं तो सेक्स डिस्कस भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे बातचीत करिए और आपकी जो भी हेजिटेशन है, जो भी क्वेरीज हैं उनके सामने रखेंगे, तभी आप जानेंगे। हर चीज़ को गूगल या यूट्यूब पर ढूंढने की कोशिश ना करें और कम से कम एक्सपर्ट की जो वैल्यूज़ हैं उनको हमेशा तवज्जो दें। तो दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमेशा एक्सपर्ट पैनल को सुनना चाहिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप इंडिया के, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पर हो, तो ऐसे हेल्पलाइन नंबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हम कपल से जब बात करते हैं प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए तो कई बार उनके अलग अलग रीजंस होते हैं। किसी को फाइनेंशियल रीज़न बीच में आ जाता है, किसी का सोशल रीज़न बीच में आ जाता है। तो मैडम, ऐसे में मेरा एक सवाल है एज ए गायनेकोलॉजिस्ट कि आपकी क्या रिकमेंडेशन है, आपकी क्या सलाह है कि न्यूली मैरिड कपल्स को कम से कम शादी के इतने समय बाद या उनका कोई एज ग्रुप कि भाई फर्स्ट प्रेगनेंसी इस एज ग्रुप में हो ही जानी चाहिए उनके फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि कई बार फर्स्ट प्रेगनेंसी का डिले करना उससे रिलेटेड काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स डॉक्टर्स को फेस करने पड़ते हैं भविष्य में। तो मैं चाहूँगा कि कुछ रोशनी आप इस सवाल पे भी रखें। सर यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बीइंग अ आईवीओ स्पेशलिस्ट, काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स इनिशियल समय में, जैसे यंग एज है 25-30, वह समय में प्रेगनेंसी पोस्टपोन करते हैं। फिर जैसे ही 35-38-40 ईयर्स की एज में पहुँचते हैं एंड दे रियलाइज कि प्रेगनेंसी अभी प्लान करना है। सो पहले तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे अपनी उम्र होती है वैसे वैसे अपने बाल सफ़ेद होने लगते हैं, जिसे हम एजिंग प्रोसेस कहते हैं। सो वैसे ही कोई भी फीमेल है या तो मेल्स है, जनरली फीमेल्स में हम देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे
नंबर ऑफ एग्स और क्वालिटी ऑफ द एग्स या दोनों कम होने लगता है। सो जब भी आप यंग एज हैं, काफ़ी बार आपने सुना होगा कि लेट उम्र में प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जैसे खुड़खापन बोलते हैं हम लोग कि डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डाउन सिंड्रोम है, मेंटली चैलेंज्ड बच्चे आने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, इसके पीछे भी यही रीज़न है। सो मेरी जो एडवाइस है कि बिफोर द एज ऑफ 30 यानी कि 30 साल की उम्र के पहले एटलीस्ट एक प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए, ताकि कंफर्म हो जाता है कि देर इज़ नो प्रॉब्लम और देर इज़ नो पैथोलॉजी विद द यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, यह सब नॉर्मल है। फिर दूसरे बच्चे के लिए आप 3 साल का 5 साल का गैप रख के सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो, लेकिन बिफोर, जनरली आई से कि बिफोर 35-38 आपका सेकेंड प्रेगनेंसी भी, अगर आपने सोचा है कि 2 बच्चे चाहिए, तो बिफोर द एज ऑफ 35-36 आप वो भी प्लान कर दीजिए। सो दिस इज़ अ सेफ जोन। हालांकि अभी IVF वगैरह की ट्रीटमेंट सारे ऑप्शन सब अवेलेबल है, लेकिन फिर भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट की एज 42 है और पेशेंट बोलते हैं कि मैम हमको नेचुरली ही प्लान करना है, अभी उनके जो ओवरीज है उन्होंने जवाब दे दिया है, नंबर ऑफ एग्स 1-2 रहते हैं। सो वह समय पे जैसे सर ने बताया ना कि गायनेकोलॉजिस्ट के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है कि ऐसे पेशेंट को नेचुरली रिजल्ट देना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, तब जाकर फिर IVF वगैरह के ऑप्शंस लेकर वह कंसीव कर सकते हैं। लेकिन वी ऑलवेज बिलीव इन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। सो अगेन वही आएगा कि अगर आप हेल्दी हो, यंग एज है, वह समय पे अगर राइट समय पे प्लान कर लेते हो तो आप भी तंदुरुस्त रहेंगे और आपका जो बच्चा है आने वाला वह भी तंदुरुस्त रहेगा। तो दोस्तों आपने इस सवाल का जवाब आपको मिल ही गया होगा, तो यानी हर चीज़ को इस मॉडर्न वर्ल्ड में कस्टमाइज करने की कोशिश ना करें, कुछ चीज़ें एज के साथ होती है। तो जो हमारी व्यूअर्स हैं, लेडीज़ हैं, यंग गर्ल्स हैं, उन्हें ये चीज़ माइंड में रखिए कि प्रेगनेंसी को सही समय पे उम्र के साथ प्लान करना जरूरी है, वो भी गाइडेंस जो आपको मिलना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा उसे प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। तो इसी कड़ी में मेरा एक आखिरी सवाल है मैडम, वो ये है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक न्यूली मैरिड फीमेल को कि मेडिकल मायने क्या है प्रेगनेंसी प्लानिंग के, मतलब उन्हें जब फाइनली जब आपकी बातों से और इस गाइडेंस प्रोग्राम से यदि वो कन्विंस होते हैं कि भाई अब उन्हें प्रेगनेंसी प्लान कर लेना चाहिए, तो वो कौन सी बातें और वो कौन से प्रिकॉशन हैं यदि वो इन एडवांस लेते हैं। जैसे मेरा एक थोड़ा सवाल अपनी साइड से भी है कि क्या कुछ ऐसे मल्टीविटामिन हैं, या क्योंकि सोसाइटी में आजकल विटामिन डी को भी इनफर्टिलिटी में देखा गया है, तो मैं उस पॉइंट को भी थोड़ा टच करना चाहूँगा। वो कौन सी एडवाइसेज हैं जो कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल कि कितना पहले उन्हें अलर्ट पे आ जाना चाहिए और गायनेकोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में आ जाना चाहिए और प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। यस, अभी यह जो सवाल है कि कोई भी महिला है जिसको प्रेगनेंसी प्लान करना है, तो कम से कम 2-3 महीने पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास आकर एक चेकअप और उनके जो रूटीन ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं, इसे हम लोग प्री कंसेप्शन काउंसिलिंग कहते हैं। इसके ऊपर भी पूरा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। और अभी इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बताती हूँ कि बिफोर यू वांट टू प्लान प्रेगनेंसी आपको एटलीस्ट 2-3 मंथ्स का टाइम इसीलिए चाहिए कि जनरली हम लोग पेशेंट को फॉलिक एसिड की टैबलेट्स स्टार्ट करते हैं, और फॉलिक एसिड जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इसकी वजह से बच्चे में जो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो रहती है, ब्रेन में जो अनोमलीज है, इसको हमें प्रिवेंट करना है। सो इसके लिए फॉलिक एसिड बहुत ही ज़रूरी है। प्लस काफ़ी बार हम देखते हैं कि जैसे आज सुबह में ही मेरे पास पेशेंट आया था कि विटामिन B12 ओनली 42, मतलब इतना लोअर साइड पे है, बहुत ही लोअर साइड पे है, और वह पेशेंट भी कंसीव करना है उसके लिए आया हुआ था। तो देर इज़ अ लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपके ब्लड रिपोर्ट्स किए जाते हैं, जैसे अभी सर ने बताया कि विटामिन D3। सो हम लोग अभी मेजॉरिटी लोग जो है ऑफिस में या घर में रहते हैं, AC, पंखा यह सब स्टार्ट रहता है, हमारा जो सन एक्सपोजर होता है यानी धूप में जो निकलना होता है वो काफ़ी कम हो चुका है, और उसकी वजह से विटामिन D3 डेफिशिएंसी के पेशेंट भी हम लोग काफ़ी देख रहे हैं। यह जो पेशेंट मैं बता रही हूँ उसका B12 वॉज 42 एंड विटामिन D3 वॉज ओनली 5। सो पेशेंट को दूसरी कोई कंप्लेन नहीं होती है, दे आर नॉट पेशेंट, मतलब सिम्टोमेटिकली कि मैम मुझे ये तकलीफ हो रही है।
सो कोई भी महिला है या कोई भी कपल है, अगर उनको प्रेगनेंसी प्लान करना है तो उसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग का सेशन ले सकते हैं। ऑर्किड हॉस्पिटल में भी यह सुविधा अवेलेबल है, आप अपना ऑनलाइन सेशन भी बुक करवा सकते हैं। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह किए जाते हैं, वाइफ का बेसलाइन सोनोग्राफी किया जाता है और अकॉर्डिंग टू उनके जो भी रिपोर्ट्स आते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स आते हैं, वह हिसाब से उनको अगर और कोई स्पेसिफिक मल्टीविटामिन्स या जो भी कुछ डेफिशिएंसी है, इवन काफ़ी बार सर हमने देखा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉयड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी पेशेंट को आती है, इवन PCOS वाले पेशेंट है, जैसे आप अभी वेट लॉस एक्सपर्ट हैं तो काफ़ी बार हमने देखा है कि वेट गेन जो है, जैसे अभी पेशेंट है उसका 19 kg वेट गेन इन लास्ट 2 months, तो 2 महीने में 19 kg वेट गेन मतलब बहुत ही ज़्यादा है। अभी उसका जैसे ही हमने रिपोर्ट करवाया तो सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म। सो यह सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी प्रेगनेंसी मतलब आप कंसीव करने के पहले सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अबॉर्शन रेट हम कम कर सकते हैं और जो बच्चा है वो भी तंदुरुस्त आ सकता है। तो दोस्तों, अक्सर हमने सुना है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, तो आपकी नॉलेज जो भी आप एक्वायर करते हैं अलग अलग मीडिया से वो बहुत अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं एक्सपर्ट कमेंट एक्सपर्ट से लेने ही चाहिए, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड हो, प्रेगनेंसी प्लानिंग से रिलेटेड हो, मैरिज काउंसलिंग से रिलेटेड हो। अब तो हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि जैसे किसी ज़माने में कुंडलियाँ मिलाया करते थे, अब आजकल ब्लड रिपोर्ट्स मैचिंग की जाती है, और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम का मॉडर्न साइंस है वो, ताकि जेनेटिक डिजीज़ और इस बारे में भी कमेंट किया जा सके। तो ये थे डॉक्टर काजल मांगुकिया, जिनका ये नया केवल चैनल है, आप इनके डायरेक्टर हैं, एक बहुत ही रिनाउंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ही कुशल गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैं डॉक्टर मुकेश पाराशर, फैमिली फिजिशियन, वेट लॉस एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट। तो हमने आज ये पूरा सेशन डेडिकेट किया न्यूली मैरिड लेडीज़ के लिए, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बार बार सुने, क्योंकि कई बार कुछ बातें ऐसी होती है आपका थोड़ा भी आप कॉन्सेंट्रेशन लूज करते हैं तो मिस हो जाती है। आप इसको सुने, समझें, मंथन करें, और जो अपने न्यूली मैरिड आपके फैमिली में जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको फॉरवर्ड करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले और किसी एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, नमस्कार, थैंक यू। Thank you.